लगता तू यार बताही ओ अज केडा सोना लगता तू यार बताही काला जोड़ा ढोला काला जोड़ा ढोला पाई पहली बार बताते ओ अज केडा सोना लगता तू यार बताही अज केडा सोना लगता तू यार बताही बेकरार बताए ओ दिल की साडा इन बेकरार बताए काला जोड़ा ढोला काला जोड़ा ढोला पाई पहली बार बताए ओ अज केडा सोना लगता तू यार बताए ओ अज केडा सोना लगता तू यार बताए रहीम। अस्सलाम वालेकुम खवातीनों हजरात, हमारे साथ हैं वाजिद अली बगदादी जिनकी बहुत सी तारीफें बहुत सी जगहों से आई। आज एंटर होते ही मैंने इनको बताया, मैंने कहा वाजिद साहब आपके लिए तो बहुत सी तारीफें और बहुत सी कॉम्प्लीमेंट्स और बहुत सी रिक्वेस्ट भी आई थी। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। खानेवाल से आप बिलोंग करते हैं, बहुत ही रेनाउंड सराइकी सिंगर हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान लोग आपके गाने बहुत पसंद करते हैं क्योंकि आपका लहजा और आपका अंदाज
दूसरे आर्टिस्ट से बहुत मुख्तलिफ है। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आइए बैठिए सर, जरा हम अपने व्यूअर्स को अपडेट करें कि क्या हो रहा है। और ये जो हमारे साथ अमेजिंग सा डांस ग्रुप है जो डेली हमारे साथ होता है, विकी भाई का स्पेशली बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, हमेशा हमारी बहुत सपोर्ट करते हैं। विकी राजा डांस ग्रुप हमारे साथ है, जिनमें ऑफकोर्स हमारे लीड विकी साहब, देन वी हैव मकसूद, देन वी हैव खालिद, वी हैव साहिल, वी हैव रजाक एंड वी हैव यासिर। तो बहुत सी तालियां हमारे बहुत ही टैलेंटेड डांस ग्रुप की, क्योंकि व्यूअर्स देखें, इनकी सपोर्ट के बगैर वो जो रौनक हम लगाना चाहते हैं वो इम्पॉसिबल होती है। तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत उन लोगों का भी शुक्रिया जो डेली हमारे साथ शो का हिस्सा बन रहे हैं। आज और कौन से लोग हमारे साथ हैं? हमारे साथ प्रिंस अली खान है। जी हाँ, इनका नाम प्रिंस है। वैसे तो मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ माय प्रिंस, मेरी जान, मेरा शहजादा, तो इन्होंने तो अपना नाम ही प्रिंस रख दिया ना। तो प्रिंस अली खान हमारे साथ हैं, ये मुल्तान से हैं। आप एक फेमस सराइकी सिंगर है, बहुत ही कम उम्र में माशाल्लाह इन्होंने बहुत नाम कमा लिया है। अभी से इतना नाम कमा लिया तो आगे जाके क्या करेंगे ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है। और हमारे साथ हैं रशीद आजिज साहब, जो पोइट है और ख़ुद भी एक बेहतरीन सिंगर है। आप मियाँ वाली से हैं, सो बहुत शुक्रिया। सराइकी शायर एंड सिंगर, सो ये हमारे साथ कुछ न्यूअर मेंबर्स हैं, और फिर बाकी तो सारे अपने ही हैं। लेकिन फिर से मिल लेते हैं हसन साहब जो हैं, बीएस इंटीरियर हमारे दुल्हा साहब हैं, और हिरा शाह जो हैं वो हमारी ब्राइड हैं, बीएस मैस कम्युनिकेशन। उसके अलावा गर्ल्स में हमारे साथ डेली होती हैं अंबर नियाजी फ्रॉम मियाँ वाली, प्यारी सी हमारी अंबर जो मेरी गाइड है थ्रू दिस होल प्रोसेस। बाय द वे, अंबर के बारे में एक सरप्राइज भी है जो मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगी। जरा अंबर की भी तबीयत सेट करनी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ये हमारा प्यारा सा गुड्डा, एक और हमारा प्यारा सा गुड्डा जीनत भट्ट, जो आती है और साथ रौनक लगाती है। हैं तो मेकअप आर्टिस्ट और इवेंट ऑर्गेनाइजर, लेकिन लगता है कि इवेंट की जान इन्हीं में होती है पूरी की पूरी। देन वी हैव बिया खान विद अस, मॉडल एंड टिकटॉकर, वेरी वेरी चेयरफुल, हैप्पी, वंडरफुल पर्सनैलिटी। देखिए व्यूअर्स, कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और अगर रौनक ना भी लगे तो रौनक लगा देते हैं। लड़कों के बारे में मैंने कोई अच्छी बात नहीं करनी, इसलिए मेरी तरफ सदर साहब देख रहे हैं, इनसे हमने बात ही नहीं करनी अभी, ठीक है ना। सो बिया इज अनदर वन ऑफ दोज पीपल। एंड देन वी हैव कोमल शेख विद अस, हु इज अ मॉडल एज वेल, एस्पायरिंग एक्टर इंशाल्लाह। सो ये तो हो गई हमारी गर्ल्स साइड, आ जाते हैं बोरिंग से बॉयज की तरफ भी। मलिक फहीम अवान साहब प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं ऑफ अवान गुड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान के, और वाइस प्रेसिडेंट को आगे नहीं बढ़ने देते। ये हमारी बड़ी कंप्लेंट है इनसे। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो है वो इतने क्वालिफाइड, इतने ब्रिलियंट है, कल एम ही उन्होंने जीतने दिया सदर साहब को, कल मैंने देखा। और बाय द वे इतना आपको बता दूं कि पाबशीर की एक बात जो है, बशीर हुसैन शाह जो है हमारे साथ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अवान गुड ट्रांसपोर्ट पाकिस्तान, अच्छा मैंने इनको बकायदा वहां खड़ी हुई थी, कहते हैं अच्छा चल तू जीत जा, और ऐसे उन्होंने अपना हाथ फेंक दिया। मैंने कहा ठीक है, अब आपका नाम ही हम पाबशीर डाल देंगे। सो बशीर साहब एंड फहीम साहब हमारे साथ हैं, एक के बगैर दूसरा इनकम्प्लीट है, लेकिन शायद हम फ्राइडे तक को इनके आपस में अदला बदली भी कर दें, कुछ भी हो सकता है शो के अंदर। देन हमारे साथ जो बाकी बॉयज हैं, वी हैव शामीर फ्रॉम लाहौर, वी हैव हसन रजा नियाजी, एंड वी हैव शोएब रजा नियाजी एज वेल फ्रॉम मियाँ वाली, एंड वी हैव सरमद ऑल्सो हु इज अ स्टूडेंट ऑफ ग्राफिक डिजाइन। तो ये है हमारी आज की टीम। जानेंगे हम सराय की कल्चर के बारे में, एक वो जो कहते हैं ना एक जेस्चर के तौर पे, हमने कहा चलो सराइकी की वेडिंग कर देते हैं, क्यों हमेशा एक ही स्टाइल का काम हो रहा होता है, थोड़ा सा डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक, हल्ले गुल्ले में भी सीखने का मौका मिल सकता है। सो छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, और याद रखिएगा एक सरप्राइज है अभी अंबर के लिए ब्रेक के बाद। काला जोड़ा ढोला पाई पे
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। लो जी, हमने बात क्या कर दी अपने प्रिंस की, तो लोगों ने कहा कि भाई हमने मिस्टर प्रिंस अली खान का गाना भी सुनना है, अभी सुनेंगे आपसे भी सॉन्ग। लेकिन उससे पहले जब हमारे साथ इतने फेमस सराइकी राइटर हैं, शायर हैं, तो उनसे बात करते हैं रशीद साहब से। जी रशीद साहब, ये बताइए कि पोइट्री की तरफ रुझान कैसे हुआ, शायरी की तरफ? पोइट्री की तरफ से रुझान मेरे ख्याल में वो किया नहीं जाता, खुद ब खुद हो जाता है। और जो हमारा एरिया है सराइकी बेल्ट जो भी है, तो वहाँ तो मेरे ख्याल में हम छोटे छोटे बच्चों से ही शुरू हो जाता है कि एक शौक है सराइकी, इतनी मीठी जबान है, आगे पजीराई इतनी मिल रही है कि हर बंदा कह रहा है कि कुछ ना कुछ होना चाहिए इसमें। तो फिर कुछ सुनाएंगे हमारे व्यूअर्स को, कुछ अपना लिखा हुआ? ज़्यादातर मैं गीत नगारी की तरफ हूँ, और मेरे जो भाई बैठे हैं इन्होंने मेरे गीत किए, तो वो सुना देंगे। वैसे जो आप रुबाई नज़म, वो जो फिल्म दी जो भी है वो हाजिर। इब्तदा मैं करता हूँ कि घरां दियां रौनकां मावां नाल इन, घरां दियां रौनकां मावां नाल इन, पिओ दियां सिर ते छावां नाल इन, घरां दियां रौनकां मावां नाल इन, पिओ दियां सिर ते छावां नाल इन, कपड़ां नाल नहीं होंदियां ईदां, ईदां बहन भिरावां नाल इन। क्या बात। वंडरफुल। अच्छा, मैं चाहूंगी कि जरा आज हम सबसे बात करें सराइकी कल्चर की। कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा पसंद है? हर इंसान को अपने कल्चर का कुछ ना कुछ तो पसंद होता ही है, राइट? ज्यादातर जो है ना सराइकी कल्चर में जो शलवार कमीज़ तो हर पाकिस्तान में हर कोई पहनता है, लेकिन हमारी तरफ जो शलवार कमीज़ होती है ना वो एक ख़ास होती है। लेकिन मैंने पहनी हुई नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ कि उसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं चोणा, जो कमी ये होती है ना बाजू। तो कल पहन आइएगा ना। मेरी एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, चलो जी, शर्मिंदगी की बात है। ज्यादातर वो पहनते हैं, सदर साहब के पास होगी। हाँ, वो ज्यादातर पहनते हैं। और शलवार कमीज जो होती है ना हमारी तरफ खुले खुले शलवार कमीज पहनते हैं, जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन पहनते आप टाइट ही हैं कपड़े। अच्छा, चले लाहौर में आ गए हूं। अच्छा, बशीर। यस। हेलो जी। जी, हमें ये पसंद है कि शहर से इंसान जब तंग होता है ना तो गांव में हम लोग जाते हैं ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि वहां खुली हवाएं, हिजाएं, बकाया ये है कि वहां पे घूमना, यानी कि शहर वाला घूमना और चीज़ है और गांव में और है। अच्छा, गेम्स वहां पे खेल कौन कौन से खेले जाते हैं? वहां पे जो गेमें होती हैं वो मुख्तलिफ गेमें होती हैं, यानी कि ये गेमें नहीं होती इधर जिस तरह शहर में लोग क्रिकेट या और चीज़ें खेलते हैं, वहाँ गेमें होती हैं छुप छुपाई हो गई इस तरह। अभी वो अभी तो खत्म हो गई हैं, बच्चे करते हैं लेकिन आप कहते हैं तो हम छुपन छुपाई खेल लेते हैं ब्रेक के बाद। जी जी, बिल्कुल। चले जी। हाँ जी बेटा, आप बताइए कि सराइकी कल्चर की सबसे ज्यादा, जैसे अगर मैं आप बताऊं अपना, तो मुझे सराइकी जबान इतनी खूबसूरत, इतनी मीठी लगती है। अद्धी गल समझ आती, अद्धी नहीं आती, लेकिन इतनी मीठी और खूबसूरत जबान है। आपको नहीं कह रही, सराइकी जबान को कह रही हूँ। सदर साहब हमें खुश हो जाते हैं हर दो मिनट के बाद। हाँ जी, आप बताइए। अच्छा, जैसे आपने बात की है सराइकी जुबान की कि मुझे बहुत मीठी लगती है, यकीन करें मुझे 2 साल हो गए हैं लाहौर में आए हुए, और मुझे इतना फ़ख्र हुआ है अपनी ज़ुबान पे कि जिससे मैं मिलता हूँ वो कहता है यार हमारे साथ आप सराइकी में ही बात करो, चाहे अगला बंदा पंजाबी है, उर्दू है, पश्तो है, जो तो भी आप सराइकी में ही बात करो ना। मैं भी सराइकी गल करें ना पिया, मैं इसलिए उर्दू में बात कर रहा हूँ क्योंकि बाकी जो है उर्दू में बैठे हैं, वरना मैं जिते भी वे ना मैं सराइकी गल करें ना मैं बड़ा फ़ख्र फील थी ने। और सब तो वही चीज़ है जेरी कि सारा लिबास सारा तो डिफरेंट है, सारा तो मुख्तलिफ है, बाकी का पजामा है, कुर्ता है, सारी खेड़ी है, चलो उत तो शलवार कमीज़ है, अजरक है, ब्लू अजरक है, सारा तो मुख्तलिफ है। और मैंने बड़ा फ़ख्र थी अपने कल्चर ते और अपनी ज़ुबान ते। क्या बात है जी, शुक्रिया। और कोई अपने तासुरात शेयर करेगा? अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह एहसन भाई ने बताया कि ये हम अपने कल्चर पर, हम अपनी ज़बान पर बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, इस तरह ये सराइकी लोग हमारे ना बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल कम्प्लेक्सिटी इनके अंदर नहीं होती, सादा लोग होते हैं। इनका ड्रेस देखें, शलवार कमीज़, इनके शाल और इनका रहना सहना सारा कुछ इस तरह सिंपल, जिस तरह हम इधर आके लाहौर में आ गए हैं तो यहाँ पर देखें कितनी कम्प्लेक्स लाइफ है हमारी। उधर मैं आपके साथ एक बात के साथ एग्री करूँगी, एक चीज़ जो सराइकी कल्चर की बड़ी खूबसूरत है व्यूअर्स, आजकल ना दुनिया
बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भाग रही है, बड़ी बड़ी चीजों के पीछे। सरायकी लोग इतने प्यारे और इतने सिंपल है, मतलब इतनी आजजी है कि जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे इवेंट मैनेजमेंट की भी जब बात कर रहे थे कि जीनत ने जो कुछ शादियां भी अरेंज की और उसके अलावा भी फोकस होता है खुशी के ऊपर, लोगों के ऊपर, अपनायत के ऊपर। इस चीज पे फोकस नहीं होता कि हमने दिखावा करना है या पैसा बड़ा खर्च करना है या हमने बड़ी चीजें, मतलब अपने आप में ही बड़े खुश लोग। इवन के जब शादियां होती हैं वहां पर खाना पीना आप देख रहे हो, नीचे बैठकर वो खिला रहे होते हैं। एक गांव का कल्चर है ना, टेबल्स वगैरह सेट सारा कुछ नीचे होता है, लेकिन एक प्यारा माहौल होता है, मजा आता है शादी वगैरह अटेंड करने में सारा कुछ, और फख्र है हमें अपने कल्चर पर। अच्छा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम प्रिंस के सॉन्ग से वापस आएंगे और उसके बाद मजीद और डिस्कशन करेंगे, सबके तासुरात शेयर करेंगे, शायद 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 हसन और हिरा से भी बात हो जाए, शायद, गारंटी नहीं है किसी चीज की, पर हम देखेंगे ब्रेक के बाद। आज केड़ा सोना लगेगा तू यार बताही, सोना लगता तू यार बताए, काला जोड़ा ढोला, काला जोड़ा ढोला पाई पहली बार, बता दे ओ आज, ओ आज, ओ आज के सोना साडे वांगू दिल लविया, पता लगिया जुदाइया सीना, साथू जुड़े सीना, दिल बई जाले सीना, उस शख्स दी जिंदगी विच असा अहम हासे है, या वहम हासे, या वहम हासे, या वहम हासे, या वहम हासे। प्यार भुला नहीं सकदा संग ताम के सीना, हो संग ताम के सीना, दिल बई जाले सीना, उस शख्स दी जिंदगी विच असा अहम हासे, या वहम हासे, या वहम हासे। जाले सीना, उस शख्स की जिंदगी
ब्रेक व्यूअर्स, दुल्हा दुल्हन ने रिक्वेस्ट की है कि उनकी तारीफ की जाए। तारीफ तारीफ और तारीफ, हर तरफ तारीफ। और बहुत ही हमारे टैलेंटेड बच्चे हमारे साथ हैं, लेकिन मिस्टर प्रिंस क्या बात है बेटा, वेल डन माशाल्लाह। अल्लाह मजीद और कामयाबी दे, यही तो बात है व्यूअर्स हमारे सरायकी बेल्ट के, स्पेशली जो इतने टैलेंटेड सिंगर्स हैं, शायर हैं, इनको वो ड्यू मेन स्ट्रीम मीडिया में रिस्पेक्ट और रिगार्ड ज़रूर मिलनी चाहिए जो वो डिज़र्व करते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, सराय की कल्चर में ये नहीं है कि एक गाना रिलीज़ किया एक साल में या दो साल में और फिर उसी के ऊपर चलते रहे। आपको कंटिन्यूसली नए सॉन्ग्स लेके आने पड़ते हैं, नई चीज़ें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती हैं, तो फिर आप अपने आप को इस लेवल पर पहुँचाते हैं। हमारे यहाँ तो आपको पता है पॉप सिंगर जो है वो एक गाना रिलीज़ करते हैं और फिर उसी पर दो तीन साल अपने निकाल देते हैं सुकून से। यहाँ पर बिल्कुल फ़र्क कल्चर है, आपको बार बार कंटिन्यूसली न्यू सॉन्ग्स, न्यू इनोवेशंस लेके आनी होती हैं और एट द सेम टाइम यूथ से लेके ओल्डर जनरेशन को भी अपील करना होता है, तो इतना आसान नहीं होता। अच्छा बेटा, आप बात कर रहे थे, आपको कट हमें ब्रेक में जाना पड़ गया था, तो बताइए
कि सराइकी कल्चर, मैं पंजाबी हूँ, मैं तो सराइकी कल्चर के बारे में इनके सॉन्ग्स, इनकी जुबान, सो वो अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा करती है ना एक इंसान को, जब वो सुनते हैं उनकी जुबान बहुत ज़्यादा मीठी होती है, सो इसीलिए मैं वो देखने के लिए और जी हाँ जी बेटा, अपना एक्सपीरियंस बताओ कैसा लग रहा है सराइकी कल्चर, आप भी क्योंकि सराइकी तो नहीं हो ना बेटा? नहीं नहीं, मैं कश्मीरी हूँ दरअसल। लेकिन कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, पहले कभी किसी सराइकी शादी या किसी फंक्शन को अटेंड किया? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं गया, पहली दफा। यही बात है व्यूअर्स, हमने कहा कि हम लोग आपस में भी कुछ लर्न करें, उसके अलावा वो इतना कि आपस में उठते बैठते हैं तो फिर आपस में आप लोग शेयर करते हैं। अच्छा, आ जाते हैं अंबर नियाज़ी की तरफ, कुछ हैरान कुन सी इंफॉर्मेशन हमारे पास, क्योंकि फिर देखिए ना, अंबर भी काम कर रही हैं फोरफ्रंट पे, लेकिन एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, सो एज अ स्पोर्ट्स वुमन, ये बेसबॉल में भी नेशनल लेवल पे हमें रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, बॉक्सिंग यानी रेसलिंग में बॉक्सिंग नहीं, बॉक्सिंग तो मैंने करनी है इनके साथ, हाँ रेसलिंग एंड उसके अलावा क्रिकेट, तो ये तीनों स्पोर्ट्स का ये हिस्सा रह चुकी हैं और अभी भी खेलते हो, तो बताओगे हमें इस तरफ कैसे आ गई, क्योंकि देखो सराइकी कल्चर में तो बहुत ज़्यादा सर पे दुपट्टा ये वो सारे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी काफ़ी होती हैं, वैसे तो पूरे पाकिस्तान में हर कल्चर में होती हैं, लेकिन किस तरह अपने आप को स्पोर्ट्स की तरफ लेके आई? एक्चुअली मुझे ना बचपन से क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक था, फिर मेरे बाबा ने बहुत सपोर्ट किया फैमिली ने, स्पेशली मेरे भाई। ये सारी तस्वीरें जी अंबर की हैं, एज अ क्रिकेट प्लेयर, एज अ बेसबॉल प्लेयर एंड आल्सो एज अ रेसलर। हाँ, तो मेरे भाई काफ़ी सपोर्टिव हैं और मेरी फैमिली, तो मैं शुरू से ही चाह रही थी कि ना मैं क्रिकेट की तरफ आऊँ, तो मैं एज अ स्पोर्ट्स गर्ल, हालांकि मेरी इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ना मेडिकल में एडमिशन हो गया क्योंकि मैंने मेडिकल पढ़ा, लेकिन सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से मैंने अपनी मेडिकल फील्ड को बिल्कुल साइड पर किया क्योंकि क्रिकेट का इतना ज़्यादा एक ना क्रेज़ था। डॉक्टर बन गई हो कि अभी बनना है? नहीं, मैं अभी स्पोर्ट्स साइंसेस कर रही हूँ, फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स साइंसेस में, अभी मेरा फिफ्थ सेमेस्टर एंड हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, अब सिक्स्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने हैं परसों से। और दूसरा ये कि बेसबॉल नेशनल लेवल पर खेली हूँ, इंटरनेशनल भी मैंने खेलना है इंशाल्लाह, तो बहुत जल्द सितंबर में एक और न्यूज़ आएगी क्योंकि मैं इंटरनेशनल खेलना है रेसलिंग में, और मैं तीन बार नेशनल मतलब गोल्ड मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट हूं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस ये देखिए व्यूअर्स को इनका गोल्ड मेडल। बाकी मुझे मीडिया की तरफ ना लाने वाला मेरा भाई है, वो कहता है तुम इतना अच्छा बोल सकती हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस है, तुम्हें स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, तो तुम ना व्लॉगिंग स्टार्ट करो, तो मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो थोड़ा इस फील्ड की तरफ मैं अभी आ रही हूँ, लेकिन क्रिकेट तो मस्ट है, वो तो मेरी मेन प्रायोरिटी जिसके लिए मैंने अपना मेडिकल साइड पर किया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इंटरनेशनल खेलना। क्या बात है, बेस्ट ऑफ लक, आप लोग स्पॉन्सर करें इनको, आप लोग स्पॉन्सर करें ना। हाँ बिल्कुल, मेरा सितंबर में इंटरनेशनल, आप मुझे स्पॉन्सर कर सकते हैं, फॉरन कर दें, सारे पैसे अपने इनको दे दें। अच्छा आगे बढ़, वैसे भी हमारा इनके साथ फैमिली रिलेशन है, जो मेरे मामू का घर है इनका घर है बिल्कुल साथ साथ, बस फिर मेरा ससुराल भी वही है, ससुराल भी वही है, तो फिर तो ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और कोई इनको देखिए, बात ये कि व्यूअर्स हमारे यहाँ ना स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को, स्पेशली स्पोर्ट्स वुमेन को स्पॉन्सरशिप्स की ज़रूरत होती है, लोग रियलाइज़ नहीं करते, और बच्चियाँ जो हैं वो शर्म में और वो जो होता है ना कि एम्बेरसिंग लगता है, बट एक्चुअली तो पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज़ को स्पॉन्सर किया जाता है, तो मेरी ख्वाहिश है कि अमर आपको भी प्रॉपर कोई स्पॉन्सर मिले ताकि आप अपना ट्रैवल कर सकें और जा सकें, क्योंकि इतना बड़ा एक्सपेंस, ये नहीं होता कि 10 करोड़ रुपये एक वाला, बट लाखों का एक्सपेंस होता है, और वो अपनी जेब से बेयर करना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना ज़रा ज़्यादती हो जाती है। तो अगर हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, देखिए हमने अपने पाकिस्तान के कल्चर के अंदर जो बाकी सारे कल्चर्स बसते हैं उन सबको हमने सपोर्ट करना है, नॉट जस्ट पंजाबीज एंड सिंधीज, हमारे पठान भाई हैं, हमारे सराइकी भाई हैं, देखिए देयर सो मेनी डिफरेंट कल्चर्स और मजाहिब भी इतने ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, तो हमें सबको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा हम छोटी सी ब्रेक की तरह जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने दुल्हन से बात कर ही लेते हैं, भाई इनको कोई माइक तो पकड़ाए ना, जरा पुत्र आ जरा इनको माइक पकड़ाओ ना जरा दूल्हा भाई को। हाँ हसन बेटा, क्या तासुरात हैं आपके नकली शादी पे? नकली शादी, उसको बेचारे को इतने पैगाम आ रहे हैं उसकी, इट्स नॉट असल, देयर इज नो निकाज शिकाज, इट इज ओनली सिटिंग जी।
बिल्कुल, तो काफी ज्यादा लोगों के मैसेज आ रही है कि असल में शादी हो गई, इवन के फैमिली वालों को भी जा रहे हैं कॉल, जो जो आप लोगों का, क्योंकि काफी ज्यादा आपका शो लाइक करती है, तो उन सबको कॉल्स जा रही है कि क्या आपने बेटे की इसका हाल एक शो लाइक करना छोड़ दो। नहीं नहीं वो नहीं कर सकते क्योंकि आप तो काफी ज्यादा कर लो। नहीं नहीं शादी भी नहीं कर रही है, ये तो आजकल के बच्चों की टिपिकल प्रॉब्लम, ना इधर मानते हैं ना उधर मानते हैं। अच्छा फिर जब टाइम आएगा तब करेंगे, हो गया ना टाइम बेटा? नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है, मॉर्निंग विद जुगन पे टाइम, अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहे हैं एक जगह टिक के बैठने की। हाँ जी बेटे, आपके तासुरात क्या है? मेरे तासुरात कुछ ऐसे है की दूल्हा नहीं पसंद, ठीक है बेटा इट्स ओके, नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, दूल्हा पसंद है, नहीं 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 नॉर्मल है, बस है। अच्छा सिराइकी कल्चर के बारे में क्या कहना चाहोगी बेटी? इस कल्चर को मैं ज़्यादा जानती तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ जब जो है मुझे इसके अबाउट पता चला यहाँ पे आके। सो यू एंजॉयिंग योरसेल्फ? या ओके, आप बताएं जी सिराइकी कल्चर के बारे में। बेसिकली मैं काफ़ी ज़्यादा सराइकी सॉन्ग सुनता हूँ, वाजिद अली बगदादी साहब हैं, इनके एक कज़न है अनमोल बगदादी, उनके साथ मैं एक सॉन्ग भी कर चुका हूँ ऑलरेडी, पहले ही हमने एक शूट कर चुके हैं उसका, तो काफ़ी ज़्यादा सराइकी सॉन्ग तो मुझे बड़ी ज़्यादा पसंद है, और काफ़ी ज़्यादा जो बता रही थी मीठी लैंग्वेज है, और इनके साथ भी काफ़ी अच्छी मेरी अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक करता हूँ सबके साथ ही, खाली इनके साथ नहीं सबके साथ ही। इससे पहले कि इसकी अंडरस्टैंडिंग मजीद और बढ़े हम ब्रेक की तरफ चलते हैं, मैं इसको सेट करती हूँ, आप लोग टेंशन ना लें। प्यार करें थर वेंद जिगार ते हां मेरा जदा अखियां चार करें मंजे जान तो जख्मी हाजर वे कोई कदम मैं इनकार करे सीटा कार दिया ओ दिल नु सकू ना दाए ओए गल्ला सुन के यार दिया
बिल्कुल सही, मैं भी सराइकी, मेरा ढोला भी सराइकी। ढोल? अच्छा ढोला, मैं कहा माई सेल्फ एंड माई ढोल बोथ आर द सराइकीज, यू नो। नहीं अच्छा एक चीज का हमने फैसला कर लिया है आपसे रिलेटेड सर, कि आज हम आपको हंसा के रहेंगे। पहले भी ये हमने पहली दफा दांत देखे इनके, वरना इनको मैंने कहा, मैं कहा मुस्कुराए तो करते। मैं कहा बॉस इस शो पे तो अल्लाह माफी दे मरी हुई रूहें भी जाग जाती है, तो आप तो फिर भी यंग मैन है, आपको आदत होगी जरा सोबर शोज की ना। बस असल में इतनी बंदा फंस जाता है फिर क्या करे बंदा। अच्छा अब थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगी, सराइकी कल्चर के बारे में आपको क्या पसंद है बेटा? मुझे बेसिकली माइक लगा, मुझे बेसिकली जो पसंद है, जब मुझे इस शो के लिए बताया गया और अरशद ने मेरे से बात की, तो मैंने कहा मुझे सराइकी के साथ मैंने काम तो किया है, इवन के ताहिर रोकड़ी साहब, जिशान रोकड़ी साहब, मैंने इनके घर में एज अ मेकअप और साथ में मॉडल्स भी उन्हें प्रोवाइड की, और जब मैं गाने सुनती थी और इतने मीठे बोल, और ताहिर जब मेरे सामने गा रहा था और स्माइल फेस पे, और मैं कहती कितने मीठे बोल है ना, तो कभी मतलब इनके कल्चर में जाए मतलब जाना पड़ा तो मैं ज़रूर इसमें जो है ना पार्टिसिपेट करूँगी। तो मेकअप किए, सारी चीज़ें की, अभी इसने कहा कि यहाँ पे आपने प्रेजेंट करना है, तो मतलब आपने सराइकी जिस तरह वो ड्रेसेस करते हैं, उनकी शादी का एनवायरनमेंट है, वो रस्में, तो मैं कहा था मैं देखना चाहती हूँ कि क्या है उनकी रस्में, हमारी जैसे पंजाब में है हमारी मेहंदी बारात वलीमा, तो इनका डिफरेंट है। अच्छा सराइकी कल्चर में ढोलकी कंटिन्यू करती है? हाँ ढोलकी ऑल थ्रू कंटिन्यू करती है, यानी कि मतलब आपका आपने मेहंदी हो भी गई तो घर में ढोलक बजता रहता है, रौनक का माहौल, एक राइट। एक इनका ये मजे का लगा, देखिए जैसे हमारी मेहंदी है, मेहंदी के बाद बारात है, ठीक है, इनकी मेहंदी पे ही लड़की का और लड़के का निकाह किया जाता है, उसके बाद लड़का लड़की भी इंजॉय कर रहे हैं सारी रस्मों को, वो भी इनका ये मजे का है। लड़की लड़की का अलग डिफरेंट नहीं, मतलब लड़की लड़का देखते भी नहीं, सेपरेट निकाह होता है, सेपरेट होता है, सेपरेट निकाह होता है, मगर ये नहीं कि निकाह के बाद भी नहीं देख सकते, सेपरेट होते हैं, लड़की के सेपरेट होते हैं, लड़के के सेपरेट होते हैं, इवन कि ये भी अलाउ नहीं होता कि लड़के वाले या कोई भी लड़का औरतों वाली साइड पे घुस जाए। हमारा ये होता है ना कि जब निकाह हो जाते हैं वो अलग अलग निकाह सबसे पहले हो जाता है। अच्छा तो अब ऐसा करते हैं कि बेटा आपको कैसा लग रहा है? और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा ये फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं, तो मुझे मतलब सराइकी का इतना नहीं पता, इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जब इस शो में आके मतलब सबके साथ एंजॉय किया तो ऐसा लग रहा है कि लाइक जो पंजाबी से ज़्यादा सराइकी का शादी का ज़्यादा मज़ा है। उनका डांस मुझे बहुत पसंद आया, उनके जो आउटफिट्स हैं उन बहुत मज़े के हैं, और स्पेशली आप तो बहुत ही थैंक यू जान। अब बस सिर्फ पंजाबी से सराइकी हो जाओ तो बात बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। जी बेटी अस्सलाम वालेकुम। मेरा भी फर्स्ट ही एक्सपीरियंस, लेकिन मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, इन सबसे मिलके काफ़ी इंजॉय कर रही हूँ, और सराइकी का मुझे भी कोई इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बट कोशिश हमारी यही है कि जैसे भी हम लोगों से बात करते हैं, कहते हैं जी सराइकी ज़बान बड़ी मीठी है, उसके बाद आगे कुछ ना खाने का पता, ना रस्मों का पता, ना जनरल जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं उनका पता, कौन से फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि हर एरिया में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है, तो इन पे हमने सोचा कि हम बात करेंगे। अच्छा हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जब इतने फेमस शायर हमारे साथ हैं तो उनसे भी हमने कुछ सुनना है मज़ीद। और उसके अलावा देखिए, एक हमारे पास सराइकी अगर रेसलर हैं तो फिर इनका पंजा लड़वाएंगे बाकी तीनों लड़कियों से, दुल्हन को माफ बाकी तीनों लड़कियां जो हैं वो हमारी सराइकी रेसलर के अगेंस्ट पंजा लड़ाएंगी, और अगर आप हार गई तो हम आपको फिर नेशनल लेवल पे फिर कम्पीट नहीं करने देंगे। ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सराइकी वीक ऑन मॉर्निंग विद जुगन, और हमारे साथ हमारे तीन सुपरस्टार्स जो हैं वाजिद अली बगदादी, प्रिंस अली खान एंड रशीद आजिज साहब। रशीद साहब, क्या कुछ सुनाएंगे अपना लिखा हुआ मजीद? और मैं अपने आप पे खुद ही सवाल कर लेता हूँ और उसका जवाब देता हूँ, क्योंकि मेरे दिल में एक बात है कि मैं करूँ, डिस्कस करूँ कि सराइकी ज़बान को डिस्कस हर जगह किया जाता है, उनका जो रहन सहन है उसको भी थोड़ा सा। सराइकी रहन सहन के बारे में, क्योंकि जिस तरह आप कहते हैं कि सराइकी मीठी ज़बान होती है, हमारा जो रहन सहन है वो भी बहुत अच्छा है। ये देखें, अभी शहर में हम भी बस रहे हैं, लेकिन जो गाँव का माहौल है इधर पल पल हमें याद आता है कि किस तरह के वो एक ही लाइन में सब भाइयों के बाप ने कह दिया कि भाई ये लाइन तुम्हारी है, इसमें तीन कमरे तेरे हैं, तीन उसके, इसके एक लाइन में सारे होते हैं, एक घर होता है, एक चूल्हा होता है, एक पकाने वाले मकसद होता है, शाम को सभी इकट्ठे होते हैं। तो वो जो है चीज़ें, ये बहुत याद आती हैं मुझे कि इसको भी डिस्का, ये हमारा सराइकी कल्चर ये भी है कि हमारा जो हमारे कमरे अटैचमेंट मकसद वो होते हैं, सारे भाई होते हैं, शाम को एक ही जगह खाना पकता है, और ये नहीं है कि बग़ैर शादीशुदा होते हैं, शादीशुदा जिनके भी बच्चे होते हैं कभी झगड़ा नहीं होता, सभी को अपनी टाइम पे चीज़ें मिल जाती हैं, खाना मिल जाता है। ये चीज़ें शहर में आके बहुत ज़्यादा आती हैं, क्योंकि गांव में तो देखे ना व्यूअर्स, जिसको हम जॉइंट फैमिली सिस्टम कहते हैं वो तो अभी भी बहुत एग्जिस्ट करता है। और मैं एक बात बताऊँ व्यूअर्स, सच्ची बात तो ये है कि जब घर में लोग ज्यादा होते हैं घर में रौनक भी और होती है, बरकत भी ज्यादा होती है। आई नो कि जब शादियां हो जाती हैं तो जब लड़कियां आती हैं तो वो कहती हैं कि भाई इतने ज्यादा लोग साथ रह रहे हैं, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है, हम लोग से मैनेज नहीं किया जा रहा। लेकिन व्यूअर्स, बीइंग अ मैरिड पर्सन, और मेरे क्योंकि ससुराल काफ़ी बड़ा है और मैं अपनी अम्मी की साइड अपनी ऑब्वियसली अपनी जो बायोलॉजिकल फैमिली है उसके भी बड़े क्लोज हूँ, यही तो रौनक है, यही तो खुशियाँ हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हर संडे को मुलाकात होती है, संडे को या हफ्ते में कभी मैं बीच में मामा की तरफ चक्कर लगा लिया, आजकल मेरी सास बाहर गई हुई है, जब वापस आएंगी तो फिर उनकी तरफ हफ्ते में दो दफ़ा, उसके अलावा चक्कर लगाना। लेकिन साथ रहने की बात कुछ और है व्यूअर्स, साथ उठना, साथ बैठना, दोपहर को सबको नींद आई, चलो भाई सारे के सारे, चलो सारे, यू नो, एक ये जो एक इंजॉयमेंट होती है वो शहर में नहीं होती। और शहरों में हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी होती है, अगर बड़ा मकान होता भी है तो वो मकान ही रहता है, वो कभी घर नहीं बनता क्योंकि उसमें पूरी फैमिली नहीं होती। अच्छा, हम अभी सराइकी शादी के बारे में आप बता रहे थे मुझे, अमर थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। लाइक ये है ना हमारे वहाँ पे कि यहाँ पे मतलब पंजाबी शादियाँ होती हैं, एक वीक में ख़त्म हो जाती है या तीन चार दिन में, वहाँ ये होता है कि वहाँ पूरे मंथ शादियाँ चलती हैं। मतलब अगर दुल्हा दुल्हन की जो बहन भाई हैं वो एक दिन एक ढोलक रखेगा, दूसरे दिन दूसरा रखेगा, लोग निकले होते हैं बहुत गांव में, चलो भाई फलां की शादी है, मंजे बिस्तरे बाहर कढ़ो, वो होता है, वो इकट्ठे करते हैं, इस तरह होता है, वहाँ पे सारे लोग होते हैं, सारे मिल के सारे पार्टिसिपेट करते हैं उस शादी में। और वहाँ पे खाने पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है, डेकोरेशन वगैरह पे नहीं दी जाती। वहाँ पे अगर आपके मतलब 1000 लोगों को आपने बुलाया है तो सिर्फ डबल आपने खाना बनाना है कि कम ना पड़ जाए, क्योंकि वो 1000 लोग वहाँ पे ऐसे ही होते हैं। 8 बजे खाना शुरू होता है और दिन 2 बजे तक चलता है। और ऐसे मेरे शादी पे लाहौर से लोग गए थे ना, मेरे दोस्त वगैरह, वो कहते हैं यार हमें ऐसे लग रहा है हम जलसे पे आ गए हैं, सुबह खाना शुरू होता है 2 बजे तक चलता है, ऐसे ही होता है वहाँ। तो नहीं बैठ गया था वहाँ पे, नहीं हमारी तरफ सारी शादियाँ ऐसे होती हैं, टाइम का कोई चक्कर नहीं होता कि इस तरह ये हाल में आए जो टाइम खत्म हो गया खाना नहीं है। 10-15 साल पहले ये सभी को पता है, कोई भी शादी होती थी तो लोग इंडियन गाने लगाते थे शादियों पे, उर्दू गाने लगाते थे घरों में, औरतें इंडियन गाने गाती थी, जैसे वो शेर गाते हैं। तो जो आज क्या है ट्रेंड चला हुआ है घरों में, जो औरतें हैं वो भी सराइकी गाने, सराइकी अगर कोई फंक्शन हो रहा है वो भी सराइकी गुलू गा रहा है, तो इसलिए सराइकी ज्यादा बढ़ गई है। अच्छा ये बताए कि सराइकी लड़कियाँ कभी पंजा लड़ाती है आपस में? नहीं ना, चलो आज इनका पंजा लड़ो भाई, हमारे पास एक सराइकी रेसलर है, आए ना जरा रेसलर साहिबा, चले तीनों लड़कियां साथ में आए, एक एक करके मैं जरा आप लोगों की रेसलिंग तो कराऊं ना, बरसा बैंड में देखते हैं ना, वन बाय वन। अच्छा जी आइए आप, हमारी नेशनल रेसलर जो है हमारे साथ है, चलो जी पहले तो मेरे साथ पंजा लड़ाओ, आप पहले मुझे बता दें मैं आपसे जीत जाऊं या हार जाऊं, हरा के दिखाओ जरा, हरा के जरा दिखाओ, सराइकी द शो है, देखो 1 2 3 गो, कौन कहेगा 1 2 3 गो।
दो बता दो चल हरा दे कौन है ये लड़की ऐसे बाई बांध देती है बाकी चल आ जा उनके बाजू सेफ रहेंगे उनके बाजू सेफ रहेंगे अच्छा चलो ठीक है वन बाय वन ओके लेडीज वन टू हाथ डाले ये वाला टूटना चाहिए अच्छा वन टू थ्री गो कौन है हम मजीद एक और सिंगल पसली को हमने बुला लिया है चलो जी आ जाएं जी हड़ताल क्यों पर इम्तिहान जी ना तभी आपने भी आने बात नीचे रखना पुत्र वन टू थ्री गो ये धांधली हो नर्व्स चल रही है जिंदा वो कब से कह रहा है सब हार जाना चलो जी नहीं ओके जीनत अगर तुमने मेरी बेइज्जती करवाई ना ये बराबर के मुकाबला नहीं है धांधली देखा जा सकता है क्या ठीक है नेशनल प्लेयर नहीं नेशनल मेरे की चल नेशनल ते इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट आ जा चलो हमने कहा लड़के सिर्फ करते हैं हम जरा लड़कियों को भी तो करें ना अच्छा चलो ओके वन टू थ्री गो लाल छोड़ा नहीं है इसने मैंने वैसे जोड़ नहीं है बाजू टूट जाता वैसे ग्रेट तो फिर करती ना प्रॉपर करना प्रॉपर बाजू सेव रखना मैच है बाजू सेव रखना मैच है बराबर का जोड़ दोबारा करा लेते आ चल दोबारा करते ताकि तेरा बाजू ना टूटे आ ना मैच चाप पे मेरा मैच है चल जीना हम करते हैं अब तो ये इनत अच्छा आप बने किधर चलो हां जापान है गो अभी तो तुम शुक्र करो मैं बाकियों को नहीं बुलाया कि बच्चों आओ और हेल्प करो ओके सो हम ऑब्वियसली सराइकी कल्चर को सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ में अपनी भी थोड़ी सी पंजाबी हरकतें अंदर डाल रहे हैं वैसे तो किसी भी कल्चर में लड़कियां पंजा नहीं लड़ाती लेकिन जब हमारे पास नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर थी तो फिर इतना तो बनता था लेकिन जीनत क्योंकि वो हमारी टीम की है तो हम जीत गए बहुत सी तालियां हमारे लिए चले ब्रेक के बाद वापस आते हैं और मेरे ख्याल से मजीद धमाकेदार परफॉर्मेंस की जरूरत महसूस हो रही है मुझे ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स आ गए हम अपने रॉयल कॉर्नर में जहाँ पे हर चीज़ ही रॉयल है क्योंकि www.royalfans.com पे अगर आप जाएंगे तो उनके बहुत से नए इंटरेस्टिंग और इम्प्रूव प्रोडक्ट्स को आप देख पाएंगे और ऑर्डर भी कर पाएंगे जैसे कि रॉयल की ये अमेजिंग वॉशिंग मशीन RWM8012T इट्स एन अमेजिंग मॉडल इसके अंदर बहुत से अमेजिंग बेनिफिट्स हैं जैसे कि सिंक लिड है जेट स्ट्रीम है थ्री वे वाटरफॉल सिस्टम है डबल प्लास्टिक बॉडी है जो इसको शॉक प्रूफ और रस्ट प्रूफ जंग प्रूफ बनाती है एनर्जी सेवर है उसके साथ साथ इसका ड्यूरेबल मोटर है लार्ज पल्सेटर है स्मार्ट क्लीन टेक्नोलॉजी है यानी कि साबुन और पानी उतना ही इस्तेमाल होता है जितना ज़रूरी होता है यानी कि वेस्टेज नहीं होती एंड रॉयल की 6+1 ईयर्स की वारंटी जो इस रॉयल की वॉशिंग मशीन को अमेजिंग बनाती है www.royalfans.com पे जाएं ऑर्डर करें घर पे आपको डिलीवर की जाएगी उसके साथ साथ अगर कभी कोई मसला कोई इशू आता है अंडर वारंटी है तो घर आके आपकी वॉशिंग मशीन को ठीक किया जाएगा लॉन्ग लास्टिंग अमेजिंग ड्यूरेबल मशीन है ये इसके साथ साथ जो रॉयल की स्मार्ट लाइफस्टाइल एसीडीसी इन्वर्टर सीरीज़ है फैंस की इनके फैंस भी बहुत ही अमेजिंग नए जो इंट्रोड्यूस कराए गए हैं उसमें वुड फील के साथ भी है डिफरेंट कलर्स के साथ भी है विद लाइट्स विदाउट लाइट्स उसका रिमोट भी आपको दिया जाता है तो आप अपनी जो है फ़ैन की स्पीड को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं उसके साथ रॉयल के रेगुलर फैंस तो हैं ही बट ये आपके हर रूम के डेकोर को मैच करने वाली अमेजिंग फैंस क्रिएट किए गए हैं और फाइनली जो एक और अमेजिंग चीज़ जो रॉयल ने इंट्रोड्यूस की है जो उनका लेटेस्ट रूम कूलर है वो इतना अमेजिंग है और ये
पाकिस्तान की सबसे जदीद फ़ैन बनाने वाली कंपनी ने पाकिस्तान का पहला रूम कूलर ऐसा क्रिएट किया है जिसमें एयर फ्रेशनर का ऑप्शन भी अवेलेबल है। आजकल जब हब्स है और अजीब सा मौसम लाहौर में हुआ हुआ है, अभी भी रॉयल का रूम कूलर है जो सॉलिड चल रहा है। आइस पैक, आइस बॉक्स और एयर फिल्टरिंग की सहूलत के साथ 15 घंटे तक कूलिंग देता है एक दफ़ा फिल करने के बाद। डेफिनेटली चेकआउट कीजिएगा www.royalfans.com पे। और अब चलते हैं मिस्टर प्रिंस की तरफ, आ जाओ बेटा, ओवर टू यू। हाँ जी, दिया दिल कमले दिया से बहुत ही अमेजिंग सा विकी राजा डांस ग्रुप है। सो चलते हैं अपने यंग प्रिंस के सॉन्ग की तरफ। चोला दे दीदा सोने बंदियां दा हुंदा बोलन मर्जी दा सोना जो वे मोला सोना जो अल्लाह सोना जो बनाए गत्ती का हर बताए लाई पिछू पिछू जीवे लाई पिछू पिछू जीवे सारा शहर बताए अल्लाह सोना जो वे मोला सोना जो वे अल्लाह सोना जो बनाए गत्ती का हर बताए ओ गत्ती का हर बताए
सच दी सारी तफिदा हई दिल सची सच दी ओ प्यार ते समझया जिवें मंग कच दी सारी तफिदा हई दिल सची सच दी रोली सानू गली गली रोली सानू गली गली यार बताए अल्लाह सोना जो बेमोला सोना जो ओ अल्लाह सोना जो बनाए गद्दी का हर बताए ओ गद्दी का हर बताए लाई पिछू पिछू जीवे लाई पिछू पिछू जीवे सारा शहर बताए अल्लाह सोना जो बेमोला सोना जो वे अल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग हम अभी सुनने जा रहे हैं लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बातचीत करनी ज़रूरी है। एक बात तो व्यूअर्स मैंने आपके साथ शेयर करनी है। असल में वाजिद भाई को हम क्यों बार बार हंसाने की कोशिश कर रहे थे उसके पीछे एक एक्चुअली स्टोरी है। आप के साथ एक थोड़ी सी ट्रेजेडी हुई, अल्लाह का शुक्र है जान और का कोई नुकसान नहीं हुआ, माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वाजिद भाई आपके परसों मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले डकैती हुई है ना, 5 दिन पहले डकैती हुई है, तो बहुत अफसोस हुआ जी। बहुत शुक्रिया और अल्लाह का शुक्र है कि आपके घर वालों को कोई नुकसान, अल्लाह का बहुत आसान है कि जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी वर्कर को कुछ हुआ जी जी। तो मैं अपील करता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, वज़ीर आला से, आई जी पंजाब से, ज़िले इंतज़ामी से कि उन लोगों को पकड़ें तो बहुत जल्द उन लोगों जो जिन लोगों ने नुकसान किया है उन लोगों को सामने ले आएँ ताकि जो दूसरे हमारे फ़नकार लोग हैं वो बच सकें। क्योंकि पहले लोग ऐसा करते थे कि प्रोग्रामों पे जब फ़नकार आते थे ना वापस तो वहाँ डकैती करते थे, आजकल प्रोग्राम तो है नहीं, फनकार फंक्शन पे तो जा नहीं रहे। और अगर फंक्शन नहीं हो रहे तो घर में जो थोड़ा बहुत है वो भी आप उठा के ले जाएंगे तो अगलों का क्या। तो देखिए अल्लाह का शुक्र है वाजिद भाई के हालात अच्छे हैं, लेकिन बात यह है कि जब सोने का और पैसों का और इन चीज़ों का नुकसान होता है तो इंसान की कमर टूट जाती है चाहे आप कितने भी वो हों। तो बात यह है कि प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा और हम सबकी तरफ से एक अफसोस भी, बट अल्लाह का शुक्र है कि जान का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी के साथ कोई इस तरह का मामला नहीं हुआ। और जो लोग ऐसा काम करते हैं थोड़ा सा खुद भी हया करनी चाहिए, हराम की कमाई हुई रोजी आज तक किसी को रास नहीं आई, कम से कम हमने तो नहीं है देखा। खैर ये बताइए कि वैसे आजकल काम में क्या मसरूफियात हैं? काम में आजकल घर में ही होते हैं, फंक्शन वगैरह तो आजकल काम में गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई तो इस वजह से ज़्यादा घर में ही रहते हैं। अच्छा, और ये बताइए कि कोई ऐसा रिवाज या कोई ऐसी रस्म जो आप हमारे साथ शेयर करें सराय की? मुकम्मल रस्म बताता हूँ। हाँ, जब शादी की डेट वगैरह रखते हैं ना तो सबसे पहले 15-20 दिन पहले जैसे शेर वगैरह औरतें गाती हैं घरों में, शेर शुरू हो जाती है, फिर मेहंदी की रात आ जाती है, मेहंदी जिनके जो दूल्हे के दोस्त वगैरह होते हैं 4-5 मेहंदी वगैरह होती हैं वो अलग अलग दोस्त ले आते हैं मेहंदी वगैरह, फिर लड़की वाले लड़के को लगाते हैं मेहंदी जाके, लड़के वाले लड़की को जा लगाते हैं, ठीक है। दिन हो गया सुबह सेहराबंदी होती है, हार वगैरह जिस तरीके दोस्त बाप आते हैं एक दूसरे को दोस्त बाप दूल्हे साहब को हार पहनाते हैं, उसके बाद एक जिम्मी की रस्म होती है। जिम्मी की रस्म यही होती है कि एक घड़ोली होती है, घड़ोली जिसको हम घड़ा कहते हैं वो उसके सर पे होती है, वो उठाते हैं जिसकी एक दूसरे से मंगनी होती है। अच्छा, ठीक है। जिनके जिस तरीके रिश्ता की सुनता है उन्हें, लड़का आगे होता है लड़की पीछे होती है, वो घड़ोली सर पे उठाते हैं। उसके बाद बारात, बारात के जो सगन होते हैं, जब बारात जाती है दुल्हन वाले घर आगे वो पंजाबी में वैसे कहते हैं ढिंगर होता है, ढिंगर लकड़ का नाई या कोई उनका होता है माछी वगैरह वो आगे रखता है, वो अपना लाग लेने के लिए वो जो लाग होता है जब वो लाग देते तो आगे तब बारात जाती है, ठीक है। तो मतलब रस्ता रुकाई जिसको हम कहते हैं लाग जैसे, जिस तरह लड़कियां डिमांड करती हैं वो मेहंदी लगाती हैं कि हमने वो लेने हैं इतने पैसे लेने हैं 20,000 लेने हैं 30,000 इस तरह। वो जब निकाह हो जाता है ना निकाह तो दूल्हा घर आता है, लड़की वाले के दूल्हा घर आता है तो फिर वो जो लड़की दुल्हन की दोस्त वगैरह होती हैं वो गिफ्ट देती हैं, गिफ्ट देती हैं, वो दूध ले आती हैं, मिठाई होती है और उसके भी फिर पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो लाग लेती है। अच्छा, यानी के हिसाब किताब जो है
वो पूरा चलता रहता है और बहुत ही एक पॉजिटिव हैप्पी कल्चर। कल हम मजीद और रसूमात जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज हमें अपने प्रोग्राम को क्लोज करना है। प्रिंस आपको भी बेस्ट ऑफ लक। कोई नया गाना शाना आ रहा है जी? इंशाल्लाह ईद पे सॉन्ग आएंगे। ईद पे सॉन्ग आ रहे हैं तो ज़रूर हमारे इन ब्रिलियंट आर्टिस्ट को फॉलो भी करें। और व्हाट्सअप क्योंकि आप सीनियर हैं तो आपके साथ हम क्लोज करेंगे। आइए जी सब मिल के आज की क्लोजिंग करते हैं और कल मजीद और बातचीत करेंगे सराइकी कल्चर पे। आ जाओ बेटा।